हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर एमडी शर्मा चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सजाना चाहते हैं, या फिर बाई मिस्टेक हमसे कंप्यूटर स्क्रीन सेटिंग में कोई परिवर्तन हो गए हैं, तब उस परिस्थिति में हम अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन को कैसे मैनेज करें, यह सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में स्क्रीन की संपूर्ण जानकारी दी गई है, अतः वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तब लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो भी एरिया हमें दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। इस डेस्कटॉप एरिया पर बहुत सारे आइकन बने हुए हैं। ये आइकन दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन आइकन और सिस्टम आइकन। एप्लीकेशन आइकन वो होते हैं जिन पर एरो साइन लगा हुआ होता है, उनको हम एप्लीकेशन आइकन कहते हैं। एप्लीकेशन आइकन को शॉर्टकट आइकन भी कहते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीन के नीचे की तरफ देख पा रहे हो, एक अलग से पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। जब हम कर्सर को टास्क बार के स्टार्ट बटन पर ले जाकर क्लिक करते हैं, तब मेन्यू बार ओपन होता है। मेन्यू का मतलब लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। इस प्रकार दोस्तों, टास्क बार का जो ये एरिया है, इस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। इस नोटिफिकेशन एरिया में हमें सिस्टम से संबंधित सूचनाएं मिलती है। हम सिस्टम पर जो भी काम कर रहे हैं उसका पता हमें टास्क बार से बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो भी फाइल ओपन हो रही है वो हमें टास्क बार पर दिखाई देगी। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम करंटली कंप्यूटर पर क्या काम कर रहे हैं या कौन सी फाइल पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमें टास्क बार के कॉर्नर, इस कॉर्नर में हमें एक छोटा सा आइकन और दिखाई दे रहा है। इस आइकन को हम बोलते हैं सो डेस्कटॉप आइकन। इस पर क्लिक करते हैं तब हम अपने डेस्कटॉप को देख पाते हैं। यानी कि दोस्तों, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने अपनी टास्क बार पर मल्टीपल फाइल ओपन कर रखी और हम अपने डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं, तब हम टास्क बार के इस कॉर्नर में आके इस शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप को देख पाते हैं, वो भी बिना मिनिमाइज किए अपने काम को। अब तक दोस्तों, हमने स्क्रीन का ओवरव्यू जान लिया है और स्क्रीन पर जो हमें मूव करता हुआ छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। अब हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, तब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन ऑप्शंस की स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, तब हमारे सामने सबसे पहले व्यू ऑप्शन आता है। इस व्यू ऑप्शन के माध्यम से हम अपने आइकन की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम अपने आइकन की साइज को बड़ा करना चाहते हैं, तब हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं और लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं। लार्ज आइकन पर क्लिक करते ही हमारे आइकन की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, हम अपने आइकन की साइज को लार्ज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन, माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से हम मीडियम आइकन पर क्लिक करते हैं। यदि हम मीडियम आइकन पर क्लिक करते हैं, तब हमारे आइकन की जो साइज है वो मीडियम हो जाएगी। यदि हम स्मॉल आइकन पर टिक करते हैं, तब हमारे आइकन की जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, हम व्यू ऑप्शन के माध्यम से अपने आइकन की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगले ऑप्शन के लिए, माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं। इसके बाद हमें ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए दोस्तों, हम अपने आइकन को फैला देते हैं इस तरीके से। दोस्तों, यदि हमारे स्क्रीन पर हमारे आइकन फैले हुए हैं और हम इनको अरेंज करना चाहते हैं, तब हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ, हमें ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम टिक कर देते हैं, तब हमारे जो आइकन है वो सभी अरेंज हो जाएंगे। यदि हम अपने आइकन को फैलाना चाहते हैं, तब माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं और ऑटो अरेंज आइकन पर टिक कर देते हैं। टिक करने से हमारे आइकन जो ऑटो अरेंज हो जाएंगे। यदि हम अरेंज नहीं करना चाहते हैं, तब ऑटो अरेंज आइकन पर से टिक को हटा देते हैं और ऑटो अरेंज आइकन पर से टिक
हटा देने पर हम अपने आइकन को कैसे भी स्क्रीन पर फैला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, वे ऑप्शन पर आते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो डेस्कटॉप आइकन्स। यदि दोस्तों अभी यहाँ पे टिक साइन लगा हुआ है, इस टिक साइन को यदि हम हटा देते हैं तब हमारे जो डेस्कटॉप आइकन है वो हाइड हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे आइकन जो है सभी हाइड हो जाएंगे। यदि हम इनको वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, वे ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ से शो डेस्कटॉप जो आइकन ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे आइकन वापस आ जाएंगे। अगले ऑप्शन को समझने के लिए हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑप्शन पर आते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन शो डेस्कटॉप गैजेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप गैजेट्स जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे जो गैजेट्स हैं वो डिस्प्ले होने लग जाएंगे स्क्रीन पर। ये गैजेट्स स्क्रीन पर कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये जानकारी आपको गैजेट्स वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद व्यू से अगला ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय, इस पर आते हैं। इस पर आने के बाद हम अपने आइकन्स को सॉर्ट कर सकते हैं नाम के द्वारा, साइज के द्वारा, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड। इनमें से किसी भी ऑप्शन के माध्यम से हम अपने आइकन को सॉर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नाम के माध्यम से सॉर्ट करना चाहते हैं तब हम नेम ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे जो आइकन है वो नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों अगले ऑप्शन समझने के लिए हम माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं और अगला ऑप्शन रिफ्रेश आता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने से दोस्तों हमारे सिस्टम में हल्की फुल्की कोई एरर आ जाती है वो रिफ्रेश हो जाती है और हमारा सिस्टम सही से काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगले ऑप्शन को समझने के लिए हम राइट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट और अंडू डिलीट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट और अंडू कॉपी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। पेस्ट पर क्लिक करते ही हमने जो कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम माउस पर राइट बटन क्लिक करते हैं और पेस्ट शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं, तब हमने जो कॉपी किया था उसका शॉर्टकट बन जाएगा। अगला ऑप्शन समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं और अंडू कॉपी पर क्लिक करते हैं। अंडू कॉपी पर क्लिक करते ही हमारे सामने मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज आइटम्स। यस करते ही जो हमने कॉपी किया था वो डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं और अगला ऑप्शन हमारे सामने न्यू आ जाता है। इस न्यू पर कर्सर लेकर आते हैं तब हमारे सामने और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इनमें हम फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम स्क्रीन पर नया फोल्डर बना सकते हैं। अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यह एरिया स्क्रीन डिस्प्ले का प्रीव्यू दिखाएगा। इसके पश्चात हम अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो हम रेजोल्यूशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। हम कम करना चाहते हैं इसलिए इसके रेजोल्यूशन को लो कर देते हैं। इसके पश्चात हम अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हो स्क्रीन की साइज कम हो गई है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हो तब कीप चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम अपनी स्क्रीन की साइज को फुल साइज पर करना चाहते हैं इसलिए हम इसके रेजोल्यूशन को हाई कर देते हैं। इसके पश्चात हम अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारी स्क्रीन की साइज फुल साइज में आ गई है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तब कीप चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हम अपनी स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तब हम ओरिएंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड पर कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड पर कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड पर करना सीख लेते हैं। यहाँ से हम पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। अब हम अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
अब हमारी जो स्क्रीन है वो पोर्ट्रेट मोड में हो गई है। यदि आप इसको रखना चाहते हो तब कीप चेंजेज पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज रिवर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों हम अपनी स्क्रीन की साइज को कम ज्यादा लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड पर कर सकते हैं। ज्यादातर हम अपनी स्क्रीन की साइज को लैंडस्केप रखते हैं, इसलिए लैंडस्केप पर क्लिक करके अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम कीप चेंजेज ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, हमारी स्क्रीन डिस्प्ले सेव हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों बड़ी आसानी से हम अपनी स्क्रीन की साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पर भी सेव कर सकते हैं। अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं। राइट बटन पर क्लिक करने के पश्चात हम थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं, तब हमें गैजेट्स ऑप्शन दिखाई देता है। इस गैजेट्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। गैजेट्स ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने बहुत सारे गैजेट्स आ जाएंगे। इन गैजेट्स को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैलेंडर को यूज करना सीख लेते हैं, इसलिए हम कैलेंडर को ड्रैग करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के पश्चात ही हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने माउस के कर्सर को लेकर जाते हैं, तब यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन डिस्प्ले होने लगता है। यहाँ से हम इस गैजेट्स को कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन से हटा सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज को हम बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम ड्रैग गैजेट्स ऑप्शन से हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हम इसके टाइम डेट चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम अन्य गैजेट्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लॉक का यूज करना सीख लेते हैं। इसको ड्रैग करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के पश्चात ही हमारी स्क्रीन पर सेट हो जाएगी। और माउस के कर्सर को इस पर ले जाते हैं, तब इसकी सेटिंग ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं और ड्रैग गैजेट से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हम सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ से हम अपनी क्लॉक का कुछ भी नाम रख सकते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे कंप्यूटर MD शर्मा इसका नाम रख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री का आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप सेकंड की सुई को डिस्प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं, तब यहाँ पे 16 सेकंड हैंड ऑप्शन पर टिक करके ओके बटन प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि हमारी सेकंड की जो सुई है वो भी डिस्प्ले होने लग गई है। इस प्रकार दोस्तों आप अन्य किसी भी गैजेट्स का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पे उपलब्ध है, इनको आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अगले ऑप्शन को समझने के लिए माउस के द्वारा राइट बटन पर क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के पश्चात नीचे की तरफ हमें पर्सनलाइज ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने नई विंडो ओपन होगी और इस विंडो में हमें काफ़ी सारी थीम दिखाई देगी। जो थीम आपको अच्छी लगे उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आप बैकग्राउंड में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, इसके साथ साथ हमें यहाँ भी प्रीव्यू दिखाई देगा। अब हम अपनी पसंद के अनुसार थीम पर क्लिक करते हैं। जैसे हम थीम पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड में परिवर्तन दिखाई देगा। इसके बाद हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको प्रीडिफाइंड वॉलपेपर मिलेंगे। आप सभी को चाहते हैं तब सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, यदि आप किसी को नहीं चाहते हैं तो क्लियर ऑल कर दीजिए। यदि आप इनमें से कुछ को चाहते हैं तब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो जो आपको वॉलपेपर अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पिक्चर पोजिशन के काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप पिक्चर को सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। आप पिक्चर को पूरी स्क्रीन पर, वॉलपेपर को पूरी स्क्रीन पर फैलाना चाहते हो तो फिर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप जिस तरीके से वॉलपेपर को डिस्प्ले करना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके पश्चात आपने एक से ज़्यादा वॉलपेपर सेलेक्ट किए हैं तब आप यहाँ से समय सेलेक्ट कर लीजिए कि कितनी समय के बाद दूसरा वॉलपेपर अपीयर हो जाए, यानी कि डिस्प्ले हो जाए। इसके बाद आपको सफल पर टिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपका वॉलपेपर डिस्प्ले होने लग जाएगा।
आप वॉलपेपर ने लगा के अपनी खुद की इमेज लगाना चाहते हैं तब आप ब्राउजर पर क्लिक कीजिएगा। अब आप अपनी कंप्यूटर से फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। जिन फोटो को आप रखना चाहते हो उनको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर की पोजीशन बताइएगा और समय सेट कीजिएगा और इसके बाद सेव चेंजेज पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपका जो है डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे विंडो का कलर चेंज हो जाए, तब हम विंडो कलर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप जिस भी कलर पर क्लिक करोगे बैकग्राउंड में परिवर्तन नज़र आएगा। आप चाहो जिस पर क्लिक कीजिएगा, आप जिस भी कलर को रखना चाहे उस पर क्लिक कीजिएगा। आप कलर का ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मिक्स कलर करना है तब आप यहाँ पे क्लिक करके आप कलर मिक्सिंग भी कर सकते हो और इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। यदि दोस्तों हम अपने विंडो का साउंड जो है उसको भी चेंज करना चाहते हैं तब साउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जिस साउंड को हम रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों यदि हम अपनी विंडो पर स्क्रीन सेवर भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तब स्क्रीन सेवर पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने नई विंडो आएगी। यहाँ से आपको जिस भी स्क्रीन सेवर का यूज करना है उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको यह पसंद नहीं आया तो आप दूसरा स्क्रीन सेवर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो तब आप यहाँ पे 3D टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। आप जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप कीजिएगा। इसके पश्चात आप उस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। रेजुलेशन कम ज़्यादा कर सकते हो, साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आप चेंजेज करके ओके बटन पर क्लिक कीजिएगा और आपके बैकग्राउंड में आपका वॉलपेपर दिखाई देने लगेगा। आप प्रीव देखना चाहते हो तो प्रीव ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आपको स्क्रीन पर आपका स्क्रीन सेवर दिखाई देने लग जाएगा। आप स्क्रीन सेवर को हटाने के लिए आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस कीजिएगा या अपने माउस को मूव कीजिएगा तब आपका जो है स्क्रीन सेवर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इस स्क्रीन सेवर को रखना चाहते हो तो अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आप स्क्रीन सेवर को कितने समय के बाद एक्टिवेट करना चाहते हो वो समय यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उस समय के बाद ही आपका स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप विंडो 7 के पर्सनलाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।